You're watching A18 Telangana News, English channel 24/7. Welcome to A18 Telangana News. Congress Lalitabag candidate Mohammad Irfan filed a complaint against AIMIM and TRS candidate in Chandrayanagutta police station. He made allegation of voter list manipulation and planning bogus voting. तुम गोली मार दो, नहीं इलेक्शन नहीं तो नहीं, या तो इलेक्शन आजम को बोल दो, चोर आजम जीत गया बोल दो, अकबरुद्दीन अवैसी जीत गया बोल दो, पूरा बीजेपी टीआरएस वाले जीत गए, कांग्रेस हार गई, पब्लिक हार गई, गरीब लोग हार गए, अपने को कोई अभी वैल्यू नहीं है, अपने को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे वहाँ पे तो सुसाइड करने का कोशिश करा। अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला, कब तक पुलिस स्टेशन में बिठा के रखते हैं? मैं कैंडिडेट हूँ, आप बिठा के रखो, नहीं तो मेरे को गोली से मार दो। मैं खाने का एक बूंद भी नहीं, पानी भी नहीं पीता, कुछ भी नहीं पीता, जब तक मेरे को इसके ऊपर एक्शन नहीं देते, मैं भूख हड़ताल पे हूँ साहब, लॉकअप के अंदर भूख हड़ताल पर। अंजनी कुमार सीपी साहब बहुत अच्छा आदमी है, अंजनी कुमार साहब आना, इनके ऊपर मैं एक्शन ले लेना, पूरा इलेक्शन कमिश्नर और अपना जोनल कमिश्नर, ये लोग आना, इसके ऊपर एक्शन ले लेना। आप बोलो भाई, पोलिंग 36,800 पोलिंग वोट का जो स्लिप्स रहता गवर्नमेंट का ऑफिशियल बांटना बीएलओस, ये आप एमआईएम के वर्कर को दे दिए तो कैसा होता बोलो भाई? उन्हें बोकसिंग कर लेता अपन, तू लड़के फायदा क्या डेमोक्रेसी के अंदर? बोलो भाई, जवाब दियो भाई। इसलिए मैं यहाँ भूख हड़ताल पे बढ़ गया, साहब लोग उठा के लेके आए, ये देखो मेरे को अपना एक आपके ऊपर नहीं बोल रहा, गोली से मार दो, इन्हें मारते भाईनगर सर्कल साहब को तो मार देते, चलो साहब मार दो, हो रहा तो बोलना। एजेंट के ऊपर वहाँ एमआईएम के लोग कारपोरेटर डिप्टी कमिश्नर के सामने उसको हरासमेंट कर रहे हैं, हाँ वो बेचारे उन्होंने लड़ रहे, तो मेरे को फ़ोन मारे, मैं इमीडिएटली सो काम धंधा, हालांकि मेरा 3 बजे से प्रचार था, मैं सो काम धंधा छोड़ वहाँ पे गया। वहाँ जाने के बाद में देखने तो वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए हैं, कारपोरेटर और उनके फॉलोअर्स बैठे हुए हैं, और हमारे भाई साहब ठहरे हुए हैं वहाँ पे। मैं जाके पूछा क्या बात है, क्यों आप लोग ऐसा वोटर स्लिप्स दे दे रहे हैं, ये गलत बात है, इलेक्शन गाइडलाइंस के हिसाब से वोटर स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट करना तो म्यूनसिपल वर्कर्स डिस्ट्रीब्यूट करना, बीएलओस डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम पार्टी वर्कर्स का नहीं है। नहीं भाई, होना तो थोड़े बहुत तुम भी ले लो, ये क्या है, किसके बाप की जागीर है क्या? जैसा आप लोग बारिश के पानी का जो लोगों के घर में घुस गया तो जो रिलीफ फंड आया सीएम रिलीफ फंड, आपस में जैसा बांट लिए वैसा मेरे को भी एक हिस्सा देते बोल रहे हैं इसमें से ले लो बोल के। तुम लोग चोर आम बट्टेबाज हैं भाई, मैं नहीं हूँ चोर बट्टेबाज, मेरे से नहीं होता गरीब का माल खाना, गरीब का हक खाना। एक वोट का वैल्यू कितना है बोलो, लोगों का मुस्तकबिल बदल जाता। ललिताबाग चंद्रयानागुट्टे के हिंदू मुसलमान भाइयों के, गरीबों के, औरतों के, बच्चों के भलाई के लिए मैं लड़ रहा हूँ, अपनी जान को रिस्क डाल के सामने से, मेरे सामने मेरे कैंडिडेट को का और मेरे एजेंट को धमकी दे रहा। हाँ वो लोग बोलते हैं कि स्लिप हम उनको ही देते हैं, हाँ आप बोलो इलेक्शन खत्म हो गया ना भाई, वोटर स्लिप 30, आप सबको मालूम है बोकसिंग कौन करता, कैसा बोकसिंग करता, हमारे मासूम माँ बहनों को भैला फुसला के, जिसके पास 40-50 रुपये दूध की पैकेट खरीदने को नहीं रहता, ऐसे लोगों को 500 रुपये दे के आके दूसरों का वोट डालने लगाते, गुनाह कराने लगाते उनसे। आप मैं ऑब्जेक्शन रेस करने के बाद में ये बदमाशा उस टाइम पे सामने खड़े के मेरे को धमकी दे रहे, और मैडम उनको स्लिपान दे दिए, इन्हें 1 तारीख खत्म हो जाने दो, तेरे को खत्म कर देता हूँ बोल रहा। आप बोलो मैं क्या करूँ, बोलो, इन्हें मेरे को मार देता हूँ बोला। मैं बोला ठीक है भाई मार दे, 1 तारीख तक कहीं को वेट कर रहा भाई, कुछ मुहूर्त निकाल रहा क्या उसके लिए, अभी मार दे, तेरे सामने बैठा हुआ हूँ, डिप्टी कमिश्नर सामने है मेरे, हाँ मैं उसको बोला, गाली गलौज हो रही, तकरार हो रही, हाँ मैं आखिर में समझ में नहीं आया, तो मैं बोला अगर तुम लोग ऐसा मारते करते और पुलिस वाले रिटर्निंग ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर कॉपरेट नहीं करे तो मैं खुद अपनी जान ले लेता हूँ बोला, ठीक है ले लेता हूँ बोल के मैं धरने पे बैठ गया। धरने पे बैठने के बाद में मैं बोला मैडम आप एक काम करो, आजम कॉरपोरेटर बन गया, चोरों की हुकूमत फिर से दोबारा आ गई,
गरीब आवाम दोबारा हार गई। लोग अब फिर से बिल्किंगे, अब कुछ होने वाला इंसाफ नहीं है। आप उनको सर्टिफिकेट दे दो, विनिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। अब वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर खड़े हुए, आदम बरा शूट करके मार दो साले को। आप बोलो मेरे भाई, पुलिस वाले को बोल रहा शूट करके मार दो, तो मतलब मार बोला। अगर तेरे में दम है मार। मोहम्मद अब्दुल इरफान पीठ दिखाने वाला नहीं है, मोहम्मद अब्दुल इरफान सीना दिखाने वाला है। मैं बोला आप गोली मार मेरे को, तू मारना मेरे को गोली। अगर तू गोली नहीं मारेगा तो मैं यहीं बैठूंगा जब तक तू मेरे को गोली नहीं मारेगा। और जब तक मैडम इंसाफ करके वो बीएलओस को जिसको भी अपॉइंट नहीं करके मंजलिस वर्करों के पास से नहीं ले लेते वोटर स्लिप्स, ले लेके ऑफिशियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट